तो चलिए बाबा का दरबार शुरू हो गया है, बाबा वहाँ पहुँच चुके हैं। आप एक बार नजर लगा लीजिए कि यहाँ पे बाबा पहुँच चुके हैं, बाबा का दरबार लग चुका है और बाबा को देखने के लिए दूर दूर से लोग आए थे। बिहार तो बिहार, बिहार से बाहर नेशनल इंटरनेशनल जितने भी लोग आए थे यहाँ पे मौजूद हैं। और बाबा को देखने के बाद लोगों का क्या हाल है आपको हम एक बार नज़र दिखाते हैं कि यहाँ पे जो हजारों हजार की संख्या में लोग आए हैं, कैसे पुलिस को कंट्रोल करना पड़ रहा है भक्तों की भीड़। भक्तों का हाल बेहाल हो चुका है गर्मी की वजह से और पुलिस प्रशासन को कंट्रोल करना पड़ रहा है। जिस तरह से यहाँ पे भगदड़ मचने का भी आसार बहुत ज़्यादा दिखने को मिल रहा है, क्योंकि देखिए हजारों हजार की संख्या में लोग आए हुए हैं और लोगों का हाल बेहाल है, लोग गर्मी से परेशान है। उसमें से लोग एक बार भगवान का दर्शन, एक बार बाबा के दर्शन करने के लिए आप देख सकते हैं ऊपर से कूद कर देख रहे हैं, लोग बाहर हर जगह आपको बस लोग ही लोग दिखेंगे। बाबा का एक बार दर्शन हो जाए मेरा जिंदगी सफल हो जाएगा। और पुलिस प्रशासन इस चीज को देखते हुए कहीं ना कहीं समझा रही है लोगों को कि ढंग से बैठिए नहीं तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। लोग परेशान है क्योंकि यहाँ पे लोग बहुत सारे लोग खड़े हैं, इसकी वजह से लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है और दिक्कत भी हो रहा है। बाबा को देख लिए कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, मन भर गया। मन नहीं, बाबा के से हम लोग का मन भरेगा, रोज तीनों रात दर्शन होगा तबो नहीं मन भरेगा। बाबा कब से आई हुई है? हम लोग 12 तारीख को आए। कब तक रुकिएगा? हम लोग 18 को जाएंगे, 17 को तब देखिए आरती भी जा रहा है और आरती भी सब ले रहे हैं और आरती देखने को मिला। कैसा लग रहा है बाबा को देखकर? बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा, बहुत सी मिल गया बाबा के। अगर छुट्टी जाएं तो अबे जाएं सुनो ना जाएं तो हम ही के अब ही रहा सुनो 18 तारीख के जाएं। गर्मी नहीं लग रहा है? गर्मी तो ज्यादा लग रहा है, गर्मी तो इतना ना है, लेकिन भगवान के आगे गर्मी नहीं बुझा रहा है। बाबा के दया बाटे तो गर्मी को सर्दी का सीना तो गिर रहा है, बाबा का दया नहीं दिख रहा है। बाबा जब हमारा खुनी हम के दाए दाए हम बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं एक बार नजारा फिर से आप देख लीजिए और लोगों का जो भीड़ देखने के लिए मिल रहा है, लोग कहीं ना कहीं बाबा को देखने के लिए इतना उत्सुक है जो आपको देखने के लिए मिल रहा है और एक बार झलक पाने के लिए पागल है जो हजारों किलोमीटर दूर से भी आए हैं और बाहर से भी आए, बिहार के बाहर से भी आए हैं और बस एक झलक बाबा को देखने के लिए थे। कथा शुरू हो चुका है और लोगों का जो प्रेम है वो देखने के लिए मिल रहा है। बने रहिए कृषि न्यूज़ के साथ, मैं काजल सर्वेश।